मैं सीए पूजा मिन्हास और माइटी एजुकेशन की तरफ से आप सबको टीचर्स डे के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर, और ये दिन जो है पूरे इंडिया में टीचर्स डे के ऊपर मनाया जाता है। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो कि ना केवल हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं बल्कि एक ग्रेट टीचर, स्कॉलर और ग्रेट पर्सनैलिटी भी रहे हैं। उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स अगर कहा जाए तो ये संसार के, ये समाज की बैकबोन है। बैकबोन मतलब जो भी फ्यूचर होगा कंट्री का वो डिसाइड करेंगे बच्चे, और बच्चों को क्या बनाना है वो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। तो जो भी हमारी एज पर माई थिंकिंग हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में 2 पर्सन्स की वैल्यू जो है इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर होती है, एक पेरेंट्स और एक दूसरे टीचर्स। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उनका मेन मोटिव होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना या उनकी गुड केयर करना या उनकी टेक केयर करना, और जो प्राइमरी ड्यूटी टीचर्स की बनती है वो उनको बनती है कि उनको सही और गलत के चुनाव में उनकी हेल्प करना। तो टीचर्स की बात की जाए तो सिर्फ ऑन टिप पर टीचर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। टीचर्स हर कोई हो सकता है, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, जिससे आप कुछ शिक्षा लेते हो जो आपको सही और गलत का चुनाव करने में आपकी मदद करता है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आज का दिन जो है स्कूलों और कॉलेजेस में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। बच्चे अपने अपने टीचर्स को काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। पर अगर ये रिस्पेक्ट हम एक दिन की बजाय पूरा साल अपने टीचर्स को दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने सही कहा है कि वन चाइल्ड, वन पेन, वन बुक एंड वन टीचर कैन चेंज द होल नेशन। अगर आपका टीचर अच्छा है और आपकी शिक्षा अच्छी हुई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो टीचर्स डे की इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं पूरी उम्र के लिए अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करने सीखिए। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।